साइंस के 10 ऐसे मजेदार ट्रिक्स जिन्हें देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, मजा आया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली एक प्लास्टिक की लंबी प्लेट ले लेनी है, फिर एक पानी से भरी हुई कटोरी को लेकर उसमें एक कागज को अच्छी तरह से डुबा लेना है और प्लेट के बीच में रख देना है। फिर एक मोमबत्ती को लेकर कागज के ऊपर रख देना है और उसे जला देना है। फिर उसके ऊपर आपको एक ग्लास रख देना है। ग्लास के रखने से मोमबत्ती बुझ जाएगी। फिर आपको पानी से भरे हुए 2 ग्लास मोमबत्ती के दोनों तरफ रख देने हैं। फिर जैसे ही आप ग्लास को उठाने की कोशिश करोगे तो प्लास्टिक की प्लेट अपने आप उठने लगेगी। यह ट्रिक सबसे आसान ट्रिक है। इसे करने के लिए आपको बहुत सारे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ले लेना है। फिर एक फूला हुआ गुब्बारा लेना है और इसे किसी भी नरम चीज से रगड़ लेना है। फिर जैसे ही आप गुब्बारे को कागज के टुकड़ों की तरफ ले जाओगे तो वो गुब्बारे से चिपकने लगेंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसे करने के लिए आपको एक प्लेट में मोमबत्ती को रखकर उसे जला लेना है और प्लेट के अंदर पानी भर देना है। फिर जैसे ही आप किसी बोतल को मोमबत्ती पर रखोगे तो प्लेट पर रखा हुआ पानी धीरे धीरे करके ऊपर आने लगेगा। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली एक बोतल को ले लेना है और उसके ढक्कन के बीच में एक छेद कर देना है। फिर उस ढक्कन को बोतल से खोल लेना है। उसके बाद आपको एक कोई सा भी स्प्रे ले लेना है और उस स्प्रे को बोतल के अंदर छिड़क देना है। उसके बाद उस बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना है और उसे ढक्कन से बंद कर देना है। फिर जैसे ही आप माचिस की तीलों को जलाकर छेद के पास ले जाओगे तो वह रॉकेट की तरह भागने लगेगी। यह ट्रिक सबसे आसान ट्रिक है। इसे करने के लिए आपको सिंपली एक नींबू ले लेना है और इसे बीच में से अच्छी तरह से काट लेना है। फिर उसके अंदर के गुर्दे को निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक गुब्बारा लेना है और उसे अच्छी तरह से फुला लेना है। फिर जैसे ही आप नींबू के छिलकों को गुब्बारे के सामने दबाओगे तो वह गुब्बारा फट जाएगा। यह ट्रिक सबसे मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक दीवार पर कोई सा भी नंबर लिख देना है और उसके सामने एक ग्लास रखकर उसमें धीरे धीरे करके पानी को डालना है। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ग्लास के अंदर का नंबर दीवार पर लिखे नंबर से उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। यह ट्रिक सबसे मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए सिंपली एक गुब्बारे को लेकर उसे अच्छी तरह से फुला लेना है। फिर आपको एक खाली ग्लास लेना है और उसके अंदर माचिस की तीलों को जलाकर डाल देना है। फिर जैसे ही आप गुब्बारे को ग्लास के ऊपर के हिस्से पर ले जाओगे तो गुब्बारे का कुछ हिस्सा ग्लास के अंदर चला जाएगा और जैसे ही आप गुब्बारे को उठाने की कोशिश करोगे तो ग्लास अपने आप ही उठने लगेगा। आपको यह तो पता ही होगा कि फूले हुए गुब्बारे को मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो वह झट से फट जाती हैं। लेकिन इस ट्रिक को देखने के बाद आपका गुब्बारा कभी नहीं फटेगा। इसे करने के लिए आपको सिंपली एक पानी से भरा हुआ ग्लास ले लेना है और एक गुब्बारा लेकर उसके अंदर पानी को डाल देना है। फिर उसे फुला लेना है। ऐसा करने के बाद आप अगर गुब्बारे को मोमबत्ती के ऊपर भी रखोगे तो वह नहीं फूटेगा। यह ट्रिक सबसे आसान और मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिंपली एक ग्लू ले लेनी है और उसे फर्श पर लगाकर उसे लाइटर से जला देना है। फिर जैसे ही आप उस जलती हुई ग्लू को हाथ से छुओगे तो आपके कोई असर नहीं होगा। यह ट्रिक करके आप अपने दोस्तों के सामने स्मार्ट बन सकते हो। वीडियो में दिख रहे इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल में नीचे की ओर छेद कर लेना है। फिर उस छेद को उंगली से बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपको बोतल के अंदर गुब्बारे को डालना है और उसे बाहर से फुला लेना है। फिर जैसे ही आप छेद की जगह पर धीरे धीरे करके दबाओगे तो गुब्बारे की हवा अपने आप निकलने लगेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।